ओम शांति। मुरली का तारीख है 27/7/2018। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न, सभी बच्चों के प्रति बाप की आशा क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर, बाप की आशा है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी मंदिर बनेगा। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को वासना आती है तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं या हमारी प्रीत नई लगती है। और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं, तो यहाँ नई बात है ना? तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यहाँ जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, इसको वैशालय कहा जाता है। बरोबर, यहाँ विकारी दुनिया है, सत्युग में निर्विकारी है तो शिवालय कहेंगे ना? शुबाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र है, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वहां तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर या नई बातें लगती है। ऐसी बातें कब नहीं सुनी, या ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत है, क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सत्युग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यहाँ भी कयाल कभी नहीं करना कि बाबा ने या नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शुबाबा से है, दूसरा ना कोई। बल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। या ब्रह्मा तो देहदारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वहाँ गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सच्चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सच्चित आनंद रूप हो। बीज और जाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर, पांच युग है, अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सत्युग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े।
सदैव स्वर्ग में तो कोई रह ना सके, स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा, तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा, उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे तोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो, दुनिया समझती है गीता का भगवान कृष्ण था। अब बाप कहते हैं, कृष्ण गीता का भगवान नहीं था। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी है, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहते हैं, बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है, नंबर वार तो होते है ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपए कमाते, कोई बहुत तोड़ा कमाते, पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई करने वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यहाँ बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है, उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे। यहाँ है बेहद का कॉलेज, तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम सेना है, वॉरियर्स है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना, गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं, हर एक बात नई है। कृष्ण भगवान नहीं, वहाँ तो नई दुनिया का अल्प है। अल्प से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्प है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्प। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्प ब्रह्मा है। पहले पहले है परम पिता परमात्मा अल्प, पीछे ब्रह्मा को अल्प बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्प बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो बल वहाँ भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नई है, तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को ना जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। बल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्म को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वहाँ दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सिलान, बर्मा आदि से इंडियंस को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वहाँ तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहाँ तहाँ धर्म की बहुत किटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्म को एश्लम देंगे, इसीलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शुबाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण कास गाये हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाते हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। वर्ण अच्छी रीति दिखाना है तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारणा करो, कभी भी ब्राह्मणों से रूठना नहीं।
करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रस्ताल में चले जाएंगे। बाबा आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वहाँ पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शुबाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन की, तुमको दरकार रहती है। किसी को कैसे समझाए, तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं, ब्राह्मण या जो है वहाँ फिर भी मुख्य है। 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शुबाबा के एजेंट हो, सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शुबाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? बल ड्रामा में सब पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गार्ड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। यहाँ साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यहाँ है नई बातें, सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिराना चाहिए। कोई कोई का यहाँ स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबर वार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं, हवा तो लगती है परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो यहाँ नई बात हुई ना, बाप समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना, यहाँ कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए हम पूरा फॉलो करेंगे, फॉलो मदर फादर। ऐसा भी नहीं बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरा शो निकालने, तुम नरसे नारायण बनकर दिखाओ, मेरा भी गायन होगा तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे। हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा, मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शुबाबा का। फिर उसके साथ ब्रह्मा के बच्चे, दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यहाँ बड़े से बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राह ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्रह हप कर लेती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्रह खा लेती है, इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुकुम सरकार का, राज्य रानी का है, पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है, ला ऐसे कहता है। बल कहाँ, पुरुष भी निमित्त बनते हैं, तो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है, अंत में
सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं, तो कायदे सिर चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं टीका रखे, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंचे ते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री श्रीता को कहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, रूट कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट, क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसीलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, बाहर मुक्तता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाहर मुक्तता अर्थात व्यक्त के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी ना किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर। यहाँ बाहर मुक्तता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसीलिए पहले उसको कैंची लगाओ या रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रामदिल है वही तपस्वी है। जो अच्छे व बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है वही तपस्वी है। अच्छा, ओम शांति।